दोस्तों मैं हूं उम्मीद। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला एक और नई इंटरेस्टिंग थीम जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इसमें आप काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हो और ये थीम आपको ज़रूर से पसंद आई है। और ये जो थीम है ये सारे ही डिवाइस में वर्क करती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इस थीम का कुछ लुक कि आपको किस तरह देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखते हो ये मेरे रेडमी नोट 7 प्रो और ये है मेरा रेडमी 6। दोनों में ही सही तरह से थीम वर्क कर रहा है। आप किसी भी डिवाइस में इस थीम को यूज़ कर सकते हो। तो कैसे ये थीम, क्या है इसका लुक, पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला, तो बस इस वीडियो को पूरा वॉच करते रहना। अगर आपको ये थीम इंस्टॉल करना है तो इसका डाउनलोड लिंक तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इसका नाम बता दूंगा। अगर डाउनलोड लिंक मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी इस थीम के फुल डिटेल में इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो में पूरा वॉच करना। अगर वीडियो अच्छी लगती तो यार इस वीडियो को लाइक करना, इस तरह वीडियो अच्छी तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं MIUI थीम से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए यार बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कुछ थीम्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरह से सेटिंग देखने को मिलेगी। आपको टू टाइप्स होम स्क्रीन, यहाँ पर लॉक स्क्रीन देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से। आप वरना इसको हटा के ये भी लगा सकते हो, जिसमें कि आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है। MI डायलर, मैसेज, MI QQ और ये WeChat, ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपको क्लॉक देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसको आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इसके वॉलपेपर्स वगैरह चेंज भी कर सकते हो। और यहाँ पर आप इसकी थीम भी चेंज कर सकते हो। आप इसको डार्क में भी लगा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका चेंज हो रहा है। डार्क में ओके कर दोगे तो जो आपका डार्क में आ जाएगा, जो कि डार्क में भी काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। लेकिन आपका जिस तरह मन करे आप उस तरह लगाइए। यहाँ पर आप देखिए तो कुछ इस तरह देखने में ये अच्छा, काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करता हूँ कुछ और चीज़ की। तो यहाँ पर आप देखिए तो मैं कुछ इस तरह से नॉर्मल लगा देता हूँ तो ये भी देखने में कोई बुरा नहीं लगता है। यहाँ पर आप देखिए तो मैंने रेडमी 6A डिवाइस में भी इसको लगाया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए तो कुछ इस तरह से ये थीम देखने में लगता है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक आपके डिवाइस को दे देगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग्स देखने में जाती है। कौन कौन से सेटिंग्स वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सारे ही डिवाइस में वर्क करेगा। डाउनलोड लिंक भाई नहीं मिलेगा, आपको नेम बता दूंगा कौन सा है ये थीम का नेम। वीडियो को पूरा देखते रहना। तो यहाँ पर हम सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद पहले मैं आपको सेटिंग्स वगैरह कुछ दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप अपने वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो, जो भी आप सेलेक्ट करोगे। अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आप इसका वॉलपेपर वगैरह चेंज कर सकते हो। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो तो आप इसका वॉलपेपर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे को ये वाला वॉलपेपर काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। सबसे यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप इसको भी रैंडमली चेंज कर सकते हो। तो आपकी मर्जी जिस तरह आपको करना उस तरह आप कर सकते हो। ये क्या चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी इसमें चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आप इसको ब्लर वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको ओके प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पर अब जो ब्लर आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर देखने में लगा मेरे को। आप इसको हटा के ब्लर भी हटा सकते हो। अब चलते हम सेकंड वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर आपसे टेक्स्ट पूछा जाएगा कि आपको टेक्स्ट किधर रखना है, राइट एंड लेफ्ट या मिड में, कुछ इस तरह से आपको देखने मिल जाएगा। इंग्लिश में रखना है, चाइनीज में, ये भी आप देख सकते हो। अब मैंने ओके कर दिया, अब चाइनीज में लिखा हुआ आएगा। तो आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप इंग्लिश में कर सकते हो। तो ये भी फीचर मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। टेक्स्ट में हम चले जाते हैं तो टेक्स्ट के जो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं आपको जैसे यहाँ पर बदलूंगा ये भी बदलते रहेंगे। तो आपको जिस टाइप से अच्छे लगते हैं आप उस टाइप से लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। इसमें बहुत सारे आपको टैक्स देखने को मिलेंगे, जो भी आपको अच्छे लगे आप उनको लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका रैम डाली भी बदलते रहेंगे, लेकिन आप यहाँ पर क्लिक करके जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हो। तो मेरे को सबसे बेस्ट यही वाले लगते हैं तो इसलिए मैंने इसको लगाया हुआ है। आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी अलग अलग सेटिंग्स भी वगैरह देखने को मिल जाएगी। आप इन सबको भी यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई छेड़खानी मत करना क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ पर भी आपको बहुत सारी सेटिंग्स दी गई है, लेकिन जो फर्स्ट की तीन सेकेंडरी थी भाई ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, सोचा मैंने आपकी बता दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, कुछ इस तरह से आपको लुक देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आइकन देखने को मिलेगा। मैंने अभी पोको लॉन्चर को इंस्टॉल किया हुआ है इस डिवाइस में। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको भाई कुछ इस तरह से इसका नोटिफिकेशन बार देखने को मिलेगा। सेटिंग्स में हम जाते हैं, सेटिंग्स में आप देख सकते हो यहाँ पर MIUI 11 जैसे आपको आइकन्स देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से देखने में लगते हैं। यहाँ पर अबाउट में मैं आपको दिखा दूँ, अबाउट में आपको कुछ इस तरह से MIUI 10 ही देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से आपको इसके आइकन्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो मेन फीचर है वो है भाई इसका यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन का। लॉक स्क्रीन काफ़ी यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने में लग जाती है, जो कि मेरे को भी काफ़ी अच्छी देखने में लग रही है। आप इसके वॉलपेपर्स वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो इजीली वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है वो आप लगा सकते हो। तो मेरे को ये वाली क्लॉक भी काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको भाई यहाँ पर सेकंड वगैरह भी चलते रहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी देखने में लगती है। ये लॉक स्क्रीन मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अगर आपको अपने फ़ोन को अनलॉक करना, सिंपली आपको स्वाइप करना, आपका डिवाइस अनलॉक हो जाएगा। चाहे फेस अनलॉक लगा हो ना लगाओ, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैं अनलॉक करूँगा पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड देके भी अनलॉक कर सकते हो। फेस
और लॉक लगा तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीज़ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर MI डायलर पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका MI डायलर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये रही पहली चीज़। और बाकी यहाँ पर मैं आपको दूसरी चीज़ भी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैसेजेस में जैसे क्लिक करेंगे मैसेज भी ओपन हो जाते हैं। बाकी हमारे डिवाइस में भाई कोई भी मैसेंजर वगैरह इंस्टॉल नहीं है, देखते हैं हमारे में क्या खुलेगा IM। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ भी नहीं ओपन हो रहा क्योंकि भाई हमारे डिवाइस में ये इंस्टॉल ही नहीं है। अगर आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। WeChat भी इंस्टॉल नहीं है। तो ये कुछ चीज़ थी कि भाई इसमें अगर जो जो चीज़ इंस्टॉल होगा वो इंस्टॉल हो ओपन हो जाएगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा। इसको आप यहाँ पर लुक देख सकते हो, कुछ इस तरह से आपको लुक देखने को मिलेगा अगर आप पोको लॉन्चर यूज़ नहीं करते हो। तो मेरे को लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको ये थीम कैसा लगा, अच्छा लगा या बेकार लगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ इस थीम की जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, वो है इसका म्यूज़िक प्लेयर। तो यहाँ पर आप जैसे टैप करोगे आपके म्यूज़िक प्लेयर देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर टैप कर दोगे जो आपके गाने वगैरह वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो हमारे जो गाने वगैरह वो स्टार्ट हो जाएंगे जब आपके भाई डेटा कनेक्ट रहेगा, क्योंकि भाई मेरे कोई भी डिवाइस में इस डिवाइस में कोई भी नेट वगैरह है नहीं, यानी कि डेटा वगैरह है नहीं, तो इस वजह से भाई कोई भी गाना नहीं चलना है। यहाँ पर आप जैसे स्टार्ट भी हुआ था लेकिन भाई कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, सॉन्ग्स वगैरह सही तरह से चलते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले चलाए थे, यहाँ आप देख सकते हो गाने वगैरह चलने भी स्टार्ट हो गए थे। बस ये है कि मेरे डिवाइस में भाई कोई भी ऑफलाइन म्यूज़िक नहीं है तो इस वजह से कोई वर्क नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हैंड फ्री का ऑप्शन देखने को मिलता है, लिरिक वगैरह यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको डार्क मोड का भी देखने को मिलता है कि आप इसको डार्क मोड में भी कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसका एनिमेशन आप देख सकते हो कितना आपको स्मूथ देखने में लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना स्मूथ देखने में लगता है, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको ये थीम कैसे पसंद आया या नहीं आया। यहाँ पर आप जैसे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है इसका ये पे लॉक स्क्रीन, और यहाँ पर आपको लॉक कुछ टाइम क्लॉक कुछ इस तरह देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी देखने में लगती है। तो यार ये कुछ थी ये थीम। अगर आपको थीम अच्छी लगी है तो अब मैं आपको बता दूँ भाई सिंपली आपको करना क्या है। तो यहाँ पर आपको भाई यहाँ पर डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पर आपको एक चीज़ सर्च करना है, आपको ऐप को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको स्विच सर्च कर देना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सा थीम है। तो यहाँ पर मैं आपको नेम वगैरह सब दिखा देता हूँ। माय में जाएंगे, थीम में जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है वो थीम जिसका नाम है स्विच। तो आप यहाँ पर सर्च करोगे आपको ये थीम आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये थीम आ जाएगा। मैं अपने रेडमी 6A डिवाइस में भी आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला जो थीम है दोनों सेम है या अलग अलग, वरना बाद में बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई हमारे में नहीं आ रहा है ये है वो है और फलाना डिंका जो भी बोलते हैं भैया। यहाँ पर आप देख सकते हो थीम में दोनों ही दोनों के सेम है। तो आपको सिंपली स्विच सर्च करना है, ये थीम आपका आ जाएगा, सिंपली अप्लाई पर क्लिक कर देना है। और बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भाई ये जो फॉन्ट है मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको वो फॉन्ट भी बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फॉन्ट है मूवी कूल, मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर MIUI 11 फॉन्ट मैंने घेरा था लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा था भाई। जब भी वर्क करेगा कोई भी ट्रिक मिलती है तो मैं आपको बता दूंगी कैसे इसको यूज़ करना है। तो अब आपको यार ये वीडियो अच्छी लगेगी, थीम अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को यार लाइक करना, इसी तरह वीडियो अच्छी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।